हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प पेन के। आज आपको दिखाएंगे ये होंडा जनरेटर, और ये होंडा का सबसे कम दाम में जनरेटर है। EP1000 मॉडल है। इसमें स्टार्ट करके दिखाएंगे, पेट्रोल डालेंगे, इंजन ऑयल डालेंगे और लोड टेस्ट करके दिखाएंगे। इसमें आप क्या क्या चला सकते हैं बताएंगे, इसका प्राइस बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे। तो चलिए वीडियो दिखाते हैं। तो देखिए, ये है होंडा कंपनी का सबसे छोटा जनरेटर और सबसे कम दाम में होंडा कंपनी का जनरेटर सेट है। और ये साउंड लेस होंडा जनरेटर है, पोर्टेबल जनरेटर सेट है। आज का वीडियो में प्राइस बताएंगे, इसका लेटेस्ट प्राइस क्या है, इंजन ऑयल कितना डालते हैं, क्या ग्रेड डालते हैं और लोड टेस्ट करके दिखाएंगे स्टार्ट करके, और आप लोग क्या क्या चला सकते हैं आज का वीडियो में दिखाएंगे और बताएंगे। तो सबसे पहले पेटी से निकाल लेते हैं, और पेटी के अंदर आपको मिलेगा एक सर्विस मैनुअल बुक, और 2 साल का वारंटी के साथ आपको होंडा जनरेटर मिलता है, और एक फिनाइल मिलेगा जिसको लोकल भाषा में हम लोग चुंगी कहते हैं, और एक स्पार्क प्लग रेंज और एक रॉड मिलेगा। तो चलिए इसको निकाल के आपको दिखाते हैं, थोड़ा वीडियो फास्ट कर लेते हैं नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो देखिए, ये है सबसे छोटा होंडा जनरेटर और सबसे कम दाम में ये होंडा का अच्छा जनरेटर है। तो इसका स्पेसिफिकेशन बता देते हैं, क्या इसका स्पेसिफिकेशन है। वोल्टेज देगा 230 वोल्टेज, और इसका फ्रीक्वेंसी है 50, और इसका रिटेड आउटपुट है 750 VA, और मैक्सिमम आउटपुट है 850 VA। और ये सिंगल फेज जनरेटर है, फ्यूल है गैसोलीन, मतलब पेट्रोल से ये इंजन चलता है। और ये है AC आउटपुट, यहाँ से आप घर का लिए या कोई भी सामान चलाना चाहते हैं तो यहाँ से AC आउटपुट प्लग लगाने से करंट देगा। और ये है कटआउट ब्रेकर, ज़्यादा लोड पड़ने से या शॉर्ट सर्किट होने पे ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, फिर पुश करके ये ऑन हो जाता है। और ये है इंजन स्विच ऑन ऑफ, इस स्विच से इंजन ऑफ होता है और ऑन करके स्टार्ट करना होता है। आप बताते हैं इंजन ऑयल के बारे में, तो यहाँ पर इंजन ऑयल आप डाल सकते हैं, और इंजन ऑयल का ग्रेड होना चाहिए 10W30, और इंजन ऑयल मिनिमम लगता है 360 ml, और ये इंजन ऑयल लेवल पर डालना चाहिए। और ये है रिकॉइल स्टार्ट, ये इजी टू स्टार्ट है, इस पर डीकॉम्प्रेशन ड्यूरिंग पुलिंग लगा हुआ है। इसको आसान भाषा में बोले तो इंजन पर डीकॉम्प्रेशन लीवर लगा हुआ है, इजी स्टार्ट हो जाता है, टालने पर इंजन कॉम्प्रेशन नहीं लगता है, स्टार्ट हो जाने के बाद इंजन कॉम्प्रेशन लगता है, इजी टू स्टार्ट है, कोई भी लेडीज आराम से इसको स्टार्ट कर सकता है। और इस जनरेटर का वेट है 27.8 kg, और ये जनरेटर कंटिन्यू रनिंग कर सकते हैं 6.7 आवर्स तक, फिर 1 घंटा रेस्ट, फिर कंटिन्यू ऐसे करके आप चला सकते हैं ये इंजन। और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 3.6 लीटर। आप बताते हैं ये जनरेटर 1 लीटर पेट्रोल पर कितना टाइम तक चलेगा। तो देखिए, ये 1 लीटर पेट्रोल पर 2 घंटा तक चलेगा, 2 आवर्स तक ये चलेगा अप्रोक्स, ये लोड के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। आप दिखाते हैं इस होंडा जनरेटर को स्टार्ट करके, और साउंड भी सुनाते हैं, लोड टेस्ट करके भी दिखाएंगे, और क्या क्या इसमें चला सकते हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, इस फ्यूल कॉक को ऑन करना होगा, उसके बाद इस चोक को कर लेना होगा, इसके बाद इंजन ये ऑन ऑफ स्विच है, इसको ऑन करना होगा, ऊपर तरफ ऑन, नीचे तरफ ऑफ, तो ऊपर तरफ आपको करना होगा, उसके बाद ये रिकॉइल टर्नने से इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, एक बार टर्ना स्टार्ट नहीं हुआ, देख लेते हैं स्विच ऑन है, उसके बाद चोक ऑफ कर देते हैं। तो देखिए, इंजन स्टार्ट हो गया, कभी कभी चोक बंद करके भी स्टार्ट होता है, कभी कभी ऑन करके भी इंजन स्टार्ट होता है। तो इंजन स्टार्ट हो गया, साउंड आप लोग सुन सकते हैं, साउंड बहुत ही कम है। इसका जो साउंड लेवल है, नॉइज लेवल 85 dB है। देखिए साउंड एक बार आप लोगों को नज़दीक से सुनाते हैं। देखिए, ये है साइलेंसर, साइलेंसर का पास ले जाकर साउंड सुनाते हैं। तो देखिए, साउंड सुन सकते हैं, साउंड बहुत कम ही है। और ये जनरेटर क्या क्या चला सकते हैं इस जनरेटर पर वो बताते हैं। तो देखिए, इस पर आप 6 10W का LED बल्ब जला सकते हैं, और 3 पीस ट्यूबलाइट जला सकते हैं 60W का, और 3 पीस पंखा चला सकते हैं 75W का, और एक TV चला सकते हैं 65W का, और एक म्यूजिक सिस्टम चला सकते हैं 60W का, नहीं तो सब बंद करके 180 L का एक फ्रिज चला सकते हैं। और इसमें सबमर्सिबल पंप नहीं चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा, इसका जो टेक्निकल कारण है वो बता देते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपका सबमर्सिबल पंप 1 HP का है, तो जनरेटर डबल चाहिए,
इसीलिए जो स्टार्टिंग पावर होता है वो डबल लेता है, इसीलिए जनरेटर में नहीं चलेगा, डबल होने से चलेगा। ऐसे ही जनरेटर का सिस्टम होता है, कोई भी जनरेटर हो। तो चलिए अब लोड टेस्ट करके दिखाते हैं और इसका प्राइस बताते हैं। तो देखिए इसका प्राइस है 30,680 रुपीस, 30,680 रुपया इसका प्राइस है। अब बताते हैं इस जनरेटर का लॉन्गजीविटी के बारे में। तो देखिए कंपनी की तरफ से 2 साल का वारंटी मिलता है और ये एक बार ले लेने से बहुत दिन तक चलता है ये हुंडा जनरेटर कोई भी मॉडल। तो चलिए इंजन बंद कर देते हैं, उसके बाद आपको लोड टेस्ट करके भी साउंड सुनाते हैं और कितना वाट लोड ले पाता है वो भी दिखाते हैं। तो देखिए इंजन स्टार्ट कर लेते हैं, तो स्टार्ट कर लिया, उसके बाद देखिए एसी आउटपुट पर हमने ये तार लगा दिया। अब लोड टेस्ट बेंच में आपको दिखाते हैं कितना लोड ले पाता है। और इसी तरह नया नया दूसरा मॉडल का वीडियो देखना चाहते हैं जनरेटर का, तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो देखिए ये स्विच दिया, ये है 500 वाट का बल्ब जल रहा है, मतलब अभी 500 वाट का ये लोड ले पाया है। देखिए उसके बाद फिर एक दिखा रहे हैं, ये 200 वाट का है, 500, 200, 700, ये 500 वाट का बल्ब है और ये 200 वाट का बल्ब है, 700 वाट लोड ले लिया अभी। तो देखिए ये है 100 वाट का, मतलब 800 हो गया, 800 वाट लोड ले लिया। इसका जो रिटेड आउटपुट है 750 भी है, हमने 800 वाट तक लोड लेकर आपको दिखाया है। हुंडा जनरेटर लोड बहुत अच्छा ले पाता है, फिर भी दिखा देते हैं और 200 देके देखिए, देखिए 200 दे दिया, 200 400 वाट का हुआ और ऊपर जल रहा है 500 वाट का, ये वाला है 500 वाट का, तो 900 वाट लोड ले लिया इस जनरेटर पर। लेकिन आप लोगों को इतना लोड पर चलाना नहीं है, हमने तो सिर्फ टेस्ट करके दिखाया है, आप लोगों को सिर्फ रेटेड आउटपुट पर चलाना है 750 VA पर। तो इसका लोड कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है, साउंड आप लोग सुन सकते हैं, और लोड पड़ने से साउंड थोड़ा चेंज होता है, मतलब नॉर्मल में जो साउंड होता है लोड पड़ने से थोड़ा साउंड चेंज होता है। और इसी तरह नया नया हुंडा जनरेटर का वीडियो देखना चाहते हैं और दूसरा मॉडल का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो जाके देख सकते हैं, टेक्निकल हेल्प MK चैनल पर, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दूसरा वीडियो में।